आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन क्लास एट। क्लास नाइन में हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जैसा कि दिख रहा है ये टू वेरिएबल्स मींस ऐसे इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल होंगे। अब सबसे पहला बात कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते किसको हैं, तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स एंड ए बी एंड सी आर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल है एंड ए बी एंड सी आर द कोएफिशिएंट और द कॉन्स्टेंट टर्म्स। ठीक है, कोएफिशिएंट और कॉन्स्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं एक, कि अगर कोई इक्वेशन है एक्स प्लस फोर वाई, एक्स प्लस फोर वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ एक्स के आगे वन छुपा हुआ है, वन एक्स। अब हम लोग ये इक्वेशन कंसिडर किए हैं, अब हम लोगों को एक्स वाई ये हो गया हमारा वेरिएबल्स, ये हो गया कांस्टेंट वन फोर एंड माइनस थ्री। यहाँ प्लस थ्री नहीं, चूँकि इक्वेशन जो है हमारा वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, तो यहाँ अगर माइनस थ्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, फॉर्म हमेशा हम लोगों को यही रखना है, वन एक्स प्लस फोर वाई प्लस ऑफ माइनस थ्री, दिस थ्री आर कॉन्स्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने क्लास एट में देखा था कि अगर हमारा जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, हम लोगों ने क्लास एट में देखा था कि अगर ये इक्वेशन है और हम इक्वेशन ये जो इक्वल्स टू के दोनों तरफ या तो किसी वैल्यू को ऐड करते हैं या दोनों तरफ किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं या किसी चीज़ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी लागू रहेगा कि अगर हम लोग कोई इक्वेशन है एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, तो अगर हम इस साइड प्लस फोर करते हैं और इस साइड भी प्लस फोर करते हैं तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग बात करेंगे इस बार ट्रांसपोजिंग की, ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे। तो ट्रांसपोजिंग ये होता है कि ये कोई इक्वेशन है, ठीक है, तो अगर यहाँ का कोई वैल्यू जो प्लस में है हम लोग इक्वल्स टू के इस तरफ ले जाएंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, अगर इस तरफ का कुछ नेगेटिव है और इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाते हैं या फिर इधर कुछ नेगेटिव है और इक्वल्स टू के इस तरफ लाते हैं तो वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, अगर किसी इसी तरह से अगर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, तो अगर मल्टीप्लाई में है कोई भी चीज़ यहाँ पर, अगर इसमें मल्टीप्लाइड में है, सपोज ए यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के इस साइड जब आएगा तो ये ए जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इक्वल्स टू का साइन से जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन जो है एडिशन में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिवीज़न में हो जाएगा और डिवीज़न जो है मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा।
अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन जो वन वेरिएबल है यानी कि क्लास 8, हम लोगों ने वहाँ देखा था कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और वहाँ पे था ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स वहाँ वेरिएबल एक ही था, यहाँ वेरिएबल दो है, तो वहाँ पर हम लोगों को एक ही सॉल्यूशन मिलता था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कई सॉल्यूशन मिल सकते हैं। जैसे सपोज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो एंड फॉर दिस इक्वेशन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं तो y का वैल्यू 0 आएगा, आप करके देख सकते हैं 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, सॉरी अगर x हमारा 1 है तो y जो है हमारा आएगा माइनस 1, 1 प्लस ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसको हम लोग भी ऑर्डर पेयर की तरह ही लिखेंगे कि अगर x है तो x का पहले y है तो y का बाद में, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन हो गया। चलिए अगर x के जगह पे हम लोग 0 रखेंगे तो y के जगह पे भी 0 आ जाएगा, x के जगह पे अगर 5 रखेंगे तो y के जगह पे माइनस 5 आ जाएगा। तो ऐसे करके अगर हम लोग x का जितना ज़्यादा वैल्यू चेंज करते जाएंगे y का भी उतना उतना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आते जाएगा। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन इसमें बनाने कैसे हैं और करना क्या है। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.4.1 कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो चलिए हम लोग इसको बनाने से पहले क्या है डाटा वो पढ़ लेते हैं एक बार और। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से दुगना है, ठीक है, नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से दुगना है। चलिए ऐसे ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पेन ले लेते हैं, चलिए कॉस्ट ऑफ पेन हम लोग ले लिए एक्स एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो हम लोग ले लिए उसको ले लेते हैं वाई। हम लोगों ने दो अलग अलग वेरिएबल ले लिया, एक पेन के लिए एक नोटबुक के लिए। क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन का दाम, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, मतलब कि नोटबुक का जो पैसा है, ठीक है, नोटबुक का जो पैसा है y है वो किसके बराबर है, 2x के बराबर है। देखिए कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ये कॉस्ट ऑफ पेन है x, ये नोटबुक है, तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इस तरफ लाते हैं तो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका हो सकता है। मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ पेन को हम लोगों ने y ले लिया और कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हम लोगों ने x ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो, दिस आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि x किसको ले रहे हैं, y किसको ले रहे हैं, इसमें x किसको ले रहे हैं और y किसको ले रहे हैं। अगर हम किसी तरह का वैल्यू कंप्यूट करना होगा तो फाइनली जो कॉस्ट आएगा वो चाहे इससे निकाले या इससे निकाले। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दिया हुआ रहता है, जैसे इसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ नहीं रही है, हम लोग एक्स और वाई कंप्यूट करेंगे, तो अगर हम इससे निकालें या इससे निकालें, ये जो डाटा है कि कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो हमेशा क्या होगा कि एक नोटबुक के दाम से हम लोग दो पेन खरीद पाएंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। हर क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, उसके बाद
इसका आंसर लिखना है कि ए और बी और सी कितना होगा। काफ़ी इजी है। पहले क्वेश्चन में आते हैं, हम लोगों ने एग्जांपल में भी इसको देख रखा है कि ये करते कैसे हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, इधर पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में आ जाएगा, 9.35 इज इक्वल्स टू 0। और हम लोगों का फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये 9.35 ना होके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्लस ऑफ, ठीक है। अब आप कंपेयर कीजिए, ए की जगह पे क्या है, बी के जगह पे क्या है और सी के उस जगह पे क्या है। तो हेयर ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 3 एंड सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9.35, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 3 और सी के जगह पे माइनस ऑफ 9.35, ठीक है। इसी तरह से बाकी के सारे क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि x माइनस y बाई फाइव, एक्स माइनस वाई बाई फाइव माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में करते हैं, तो यहाँ कुछ हो जाएगा x प्लस माइनस ऑफ 1 बाई फाइव इंटू वाई, ये बाद में माइनस वाई बाई फाइव ही देगा, प्लस ऑफ माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हमारा यह ए इज इक्वल्स टू 1, चूँकि x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1, b के जगह पर माइनस 1.5 और c के जगह पर माइनस 10, ठीक है। ये चीज़ आप चाहे तो हर क्वेश्चन में बता सकते हैं, या फिर इसके भी बेटर वुड बी कि आप यहाँ बता दें कि ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। a बराबर 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 1/5 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 10। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, माइनस ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। पहले सारे चीज़ों को एक तरफ करते हैं, ये कुछ हो गया माइनस 2 ऑफ x प्लस ऑफ 3y माइनस ऑफ प्लस ऑफ माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में ये लिखा गया, तो हेयर ए की जगह पे क्या है हमारा माइनस 2, ए की जगह पे क्या है हमारा माइनस 2, आप देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की जगह पे क्या है माइनस 2, बी की जगह पे क्या है हमारा 3 और सी की जगह पे है हमारा माइनस 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है x इज इक्वल्स टू 3y, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज x प्लस ऑफ माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी पे यहाँ अगर हम कंपेयर करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, हियर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो है 2x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5y,
टू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव वाई। अब टू एक्स प्लस फाइव वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई वाई प्लस सी। हेयर ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू फाइव एंड सी इज इक्वल टू अगेन जीरो। ठीक है, ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू प्लस ऑफ फाइव एंड सी इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। हेयर वाई इज मिसिंग। व्हेन वाई इज मिसिंग यू कैन राइट इट एज थ्री एक्स प्लस जीरो ऑफ वाई, इवेंचुअली जीरो इंटू वाई जब हम करेंगे तो जीरो ही आएगा, प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, हेयर ए इज इक्वल टू थ्री, b is equals to 0 and c is equals to 2. Question number 7, y minus 2 is equals to 0. इस क्वेश्चन में क्या है, x मिसिंग है। ठीक है, तो हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, 0 into x plus 1 into y plus of minus 2 is equals to 0. ठीक है, तो here a इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बी इज इक्वल्स टू वन एंड सी इज इक्वल्स टू माइनस टू आंसर। लास्ट क्वेश्चन, फाइव इज इक्वल्स टू टू एक्स, फाइव इज इक्वल्स टू टू एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट, फाइव इज इक्वल्स टू 2x इस तरफ लाते हैं, माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये 2x है, इधर माइनस में आएगा, y के साथ कुछ भी नहीं है, तो माइनस टू ऑफ x प्लस जीरो इंटू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो हेयर a इज इक्वल टू माइनस टू, b इज इक्वल टू जीरो एंड C is equals to and C is equals to 5. ठीक है, आज के स्लाइड्स के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके और क्वेश्चंस आगे कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।